हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज चैप्टर 11 दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे डिफरेंट आयंस का ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में कैसे फूड ग्लूकोज एक तरह से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ है। चलिए क्वेश्चन जो है इसका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द मस्कुलर, एक मिनट थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन पहला ये, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, वो कौन सा मस्कुलर ट्यूब है जिससे जो स्टोर्ड यूरिन होता है वो बॉडी से बाहर पास होता है। तो वो मस्कुलर ट्यूब है क्या, तो वो यूरेथ्रा होता है। याद रखिएगा, यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा थ्रो करता है, ठीक है। वो यूरेथ्रा या मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास आउट, बॉडी से बाहर यूरेथ्रा से ही निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहे हैं, सेकेंड में कहा जा रहा कि दे आर द पाइप्स, वन मिनट, क्या कहा गया, दे आर द पाइप्स लाइक, दे आर पाइप लाइक कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड फॉर्म ए टू वे ट्रैफिक इन प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स क्वालिफाई फॉर द फीचर्स मेंशन्ड अबव। कह रहे हैं वो पाइप लाइक होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है और वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो टू वे ट्रैफिक इन प्लांट्स, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है, रूट से आपका पूरी अपर पार्ट ऑफ बॉडी और अपर से डाउनवर्ड, तो बाई डायरेक्शनल हो गया। तो ऐसा मूवमेंट फ्लोएम के अंदर होता है। रखिए फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, उसके कंपोनेंट सीव ट्यूब कॉम्पेनी सेल फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर है। फ्लोएम टू वे ट्रैफिक मूवमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर कोई भी क्योरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस। कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज जो होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, वो कहाँ टेक प्लेस, इन किस जगह पे होगा आपको बताना है। तो क्या वो वीन्स के अंदर होगा या आर्टरीज के अंदर होगा और या फिर हार्ट कैपिलरीज। तो याद रखिएगा ये आरटीज करती हैं, याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस थ्रू द दैट विद द हेल्प, मतलब किसकी मदद से होगा, वो आपकी आरटीज की मदद से होगा। और वैसे तो वन मिनट एक मिनट सॉरी आरटी कैपिलरीज सॉरी फॉर दैट फॉर अ फ्यू मिनट्स कैपिलरीज होती हैं वो, मैं मेरा जहन कहीं और था। कैपिलरीज इज़ वेरी हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज विद द हेल्प ऑफ। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर थ्री इज क्वेश्चन डी, इसका डी अप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्वीट ग्लैंड, आर स्वीट ग्लैंड एबसेंट कहाँ होते हैं आपको बताने। तो याद रखिएगा लिप्स पर नहीं होते, बाकी आर्म पेट में पाम में स्केल में लिप्स में स्वीट ग्लैंड एबसेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं, इन अ टॉल ट्रीज, पूछा जा रहा है इन अ टॉल ट्रीज विच अ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, वो कौन सा फोर्स है जो वाटर और मिनरल को सॉइल से पुल कराता है। तो याद रखिएगा वो आपका सक्शन फोर्स कहलाता है, दैट हेल्प इन पुलिंग द, ठीक है, सक्शन फोर्स से ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, सक्शन फोर्स जिससे पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन गैसेस फॉर्म, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं गैसेस फॉर्म में, किस फॉर्म में करेंगे, ऑक्सीजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, रॉन्ग है, अमोनिया इज, याद रखिएगा जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर अमोनिया की फॉर्म में अपना वेस्ट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो सी इज़ करेक्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सिक्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। Keep watching, sharing and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।